अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्राफिक डिज़ाइनर। सो ये कोर्स क्या होता है, ठीक है, ये कोर्स करने का हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या ये कोर्स कोई करा हुआ है तो उसको दुबई में जॉब मिलेगी, या उसकी सैलरी क्या होगी, या किस एमिरेट्स में उसकी इससे रिलेटेड जॉब लगेगी। तो यही बातें आज सारी मैं डिस्कस करूंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल सके। और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, वरना आप लोग कमेंट करके नीचे पूछते हैं वन बाय वन। सो इसीलिए पूछते हैं क्योंकि आप वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो एंड तक देखिए, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर होता क्या है, ठीक है, ये फील्ड होती क्या है, ये कोर्स होता क्या है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर मेनली होता है आपका पूरा कंप्यूटराइज्ड गेम, ठीक है, कि आपको क्या एडिटिंग करनी आती है क्या नहीं आती है। तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स आपको ये सारी चीज़ें सिखाता है। आपको इसमें सारी किस तरीके से आप कार्टून क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप एडिटिंग करके अपनी खुद की वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनर में होती हैं, ठीक है। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि कोई भी जो न्यू कंपनीज होती हैं वो अगर आप लोगों को हायर करती हैं तो आप लोगों को वहाँ पर जितने भी स्टार्टिंग में पैम्पलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करी जाती हैं उस कंपनी में, तो वो आप कर सकते हो वहाँ पर, क्योंकि यही सारी चीज़ें ग्राफिक्स डिज़ाइनर में सिखाई जाती हैं। तो इसलिए इस कोर्स का कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है दुबई में, कहीं पर भी आपका बहुत स्कोप है। बट हाँ, दुबई में ज़्यादा स्कोप है, यहाँ पर बहुत सारी न्यू कंपनीज स्टार्ट होती हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी स्टार्टअप होते हैं कंपनीज़ के, तो वो लोगों को चाहिए होता है, न्यू एज ग्रुप चाहिए होता है उन्हें, उन लोगों को हायर करना चाहते हैं। तो जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स कर रखे हैं वो लोग दुबई डेफिनेटली आ सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी उनके लिए कि वो यहाँ पर आएं और इस जॉब में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और जो लोग नहीं करे हुए हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूंगी, जैसे कोई लोग हैं जो जिन्होंने सिर्फ 12th पास कर लिया है या ग्रेजुएशन करके फिनिश कर दिया है, बीएड, मैं जिसके बारे में बात करती रहती हूँ हमेशा, बीएड के लिए फोर्स करती रहती हूँ आप लोगों को कि नहीं, आपको बीएड करना है, टीचिंग के लिए बीएड करना है। तो जिन लोगों को बीएड नहीं करना है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप टीचिंग फील्ड में जाओ, आप ग्राफिक डिज़ाइनर ये कोर्स होता है, आप ये करो और ये करके भी आप दुबई आ सकते हो। बस थोड़े से स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, पर्सनैलिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप डेवलप करिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स लीजिए, कुछ भी करिए, आप अपने आप को एक अच्छे और बेहतर इंसान बनाइए, जिससे जो दुबई डिमांड करती है, दुबई डिमांड करती है ऐसे लोगों की जो इवन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते हैं बट उनके अंदर स्किल्स होती हैं। तो स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है वो आप यहाँ दिखा सकते हो। ये नहीं कहती हूँ एजुकेटेड बंदा ही सब कुछ कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वो भी यहाँ पे काम कर सकता है, सिर्फ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। आप आइए यहाँ पर और जॉब के लिए देखिए, आपको डेफिनेटली मिलेगी यहाँ पर जॉब। अब बात कर लेते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर की जो जॉब होती है वो यहाँ किस एमिरेट में मिलेगी। तो यहाँ पे किसी भी एमिरेट्स में आपको ये ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब मिल सकती है, बट दुबई में ज़्यादा है ये, ठीक है, अजमान, शारजा, इन जगह पे भी बहुत है बट दुबई में ज़्यादा है। तो इसलिए आप आकर यहाँ पे दुबई में ज़रूर ट्राई करिए इस जॉब के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग नंबर का, तो वो सभी को इंतज़ार रहता है कि सैलरी क्या होगी, ठीक है। तो सैलरी तो भैया बहुत होती है इसमें, ठीक है, बहुत, वो डिपेंड करता है कि आपने किस हद तक ग्राफिक डिज़ाइनर सीख रखा है, आपको किस हद तक चीज़ें आपको क्लियर हैं, आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या क्लियरिटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है, ठीक है। सैलरी स्टार्टिंग होती है वही 8,000 dirham टू 15,000 dirham तक चली जाती है, काफ़ी अच्छा सैलरी पे स्केल देते हैं ये लोग यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा अगर हम बात करें तो इंडिया की, तो अगर हमारा 8,000 dirham है, ठीक है, तो ये इंडिया का हो गया 1,60,000 अप्रॉक्स, ठीक है, मैं कहती हूँ ये बहुत है। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स नहीं करे हुए हैं,
ठीक है, और अगर वो करना चाहते हैं ये कोर्स, तो उनको क्या अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी होगी। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से करना पड़ेगा, कोई भी यू नो रेप्यूटेड आपको इंस्टीट्यूट लेना पड़ेगा, उसी से ही आपको ये कोर्स करना होगा, क्योंकि जो यू नो रजिस्टर्ड है, जो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, वही यू नो आगे तक आपको लेकर जाएगा ऑब्वियसली। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पे अपना यू नो सीवी वगैरह में आप लिखोगे दिखाओगे, तो वो लोग ज़रूर यहाँ के जो भी कंपनीज होती हैं वो लोग एक बार ज़रूर मैच करती हैं कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो कोर्स कर रखा है वो अच्छे इंस्टीट्यूट से करा हुआ है या नहीं करा हुआ है, या आपने फेक यू नो प्रोफाइल तो नहीं बना के उनके सामने ले आए हैं, तो इस चीज़ को वो रीचेक करते हैं। तो इसलिए आप एक बार अपने दिमाग में ये चीज़ ज़रूर सेट कर लेना कि आपको जिस भी आप इंस्टीट्यूट से ये कोर्स कर रहे हो तो वो इंस्टीट्यूट कोई भी फेक ना हो और यू नो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हो वो, तो वहीं से आपको ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स करना है। ओके, ठीक है, तो इसलिए बहुत स्कोप है, जो लोग करे हुए हैं उन लोगों के लिए तो वेल एंड गुड कि आप लोगों को आगे जॉब इजिली मिलने वाली है, और जो लोग नहीं करे हुए हैं तो वो लोग प्लीज़ ये कोर्स करके आइए दुबई, ताकि ये है आपको यहाँ आकर एक अच्छा पे स्केल मिल सके, जिससे कि ये है जो लोग अपनी फैमिलीज़ को यहाँ बुलाना चाहते हैं, यहीं सेटल होना चाहते हैं, वो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे इजिली रह सकते हैं, इतनी सैलरी पे डेफिनेटली रह सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो बस यही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।